गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब बच्चों? आज हम छोटे उक की मात्रा वाले शब्दों की सहायता से वाक्यों को पढ़ना सीखेंगे। बच्चों, आप सभी को एक चित्र दिखाई दे रहा है, इसमें आप क्या देख रहे हैं? एक पुजारी है, उसके हाथ में एक लुटिया है, पुजारी का एक पुत्र है और उसके हाथ में कुछ फल है। ठीक है, सो अब हम स्टार्ट करते हैं। यमुना के पास पुजारी की एक कुटिया थी। सुबह का समय था। पुजारी सुबह लुटिया लेकर नदी पर नहाने गया। साबुन लगाकर गुनगुनाना शुरू किया। नहा कर मधु खाकर घर आया। तब उसका पुत्र मुकुल भी वहाँ आया। पुत्र जामुन लाया। मुकुल ने पुल पर बुलबुल का गीत भी सुना। यानी बच्चों, ये जो नदी बह रही है, ये कौन सी नदी है? यमुना। और वहाँ पर एक पुजारी है और उसकी एक कुटिया है, और सुबह सुबह वो क्या कर रहा है? लुटिया लेकर नहाने जा रहा है, और वो साबुन लगाकर गुनगुनाना यानी कि गुनगुनाकर नहा रहा है। फिर वो नहाकर वहाँ पे मधु खाकर आया, मधु यानी कि शहद खाकर आया वो। ठीक है, और फिर उसका वहाँ पर पुत्र आया जिसका नाम क्या है? मुकुल है। मुकुल जामुन लेकर आया और मुकुल ने पुल पर बुलबुल बुलबुल एक चिड़िया होती है उसका गीत भी सुना। ठीक है बच्चों, एक बार हम फिर से रीड करते हैं। यमुना के पास पुजारी की एक कुटिया थी। सुबह का समय था। पुजारी सुबह लुटिया लेकर नदी पर नहाने गया। साबुन लगाकर गुनगुनाना शुरू किया। नहा कर मधु खाकर घर आया। तब उसका पुत्र मुकुल भी वहाँ आया। पुत्र जामुन लाया। मुकुल ने पुल पर बुलबुल का गीत भी सुना। बच्चों, आपको भी यह दो बार पढ़ना है, ठीक है, और सब बच्चे ध्यान से पढ़ेंगे। ठीक है, थैंक यू।